हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके गाइडेंस। इस चैनल पे आपको सारी जानकारी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। एंड अगर आप चाहते हो कि इस तरह की अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज हम बात करेंगे DSSSB रिक्रूटमेंट के बारे में। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आई है। नेम ऑफ द पोस्ट, ये 5 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है। ग्रेड 2 फार्मासिस्ट असिस्टेंट अनदर पोस्ट, बाकी आगे का हम डिटेल में देखते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है 835 वैकेंसीज हैं और इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन है, सिर्फ ऑनलाइन से ही एक्सेप्ट होगा और कोई मोड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली में होगी, लेकिन ऑल ओवर दी इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.dssbonline.nic.in। देखिए, हम अभी पोस्ट के बारे में डिटेल में देखते हैं। ग्रेड 2 के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी टोटल है 221। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अगर आपने डिग्री किया हुआ है आर्ट्स में, कॉमर्स, साइंस या फिर एग्रीकल्चर से, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट है इसकी 20 साल से लेके 32 साल तक के लिए। देन इसकी पे स्केल है 9300 टू 34800 तक है एंड प्लस ग्रेड पर रहेगा 4600। फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए 40 वैकेंसी है और इसका क्वालिफिकेशन है 12th पास प्लस आपके पास डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी आपने किया होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। एंड इसका एज लिमिट है मैक्सिमम 27 ईयर। पे स्केल होगी इसकी अराउंड 20,000, ग्रेड पे रहेगा 2,800। लीगल असिस्टेंट के लिए टोटल 13 पोस्ट है। इसकी क्वालिफिकेशन होगी अगर आपने बैचलर इन डिग्री किया है इन लॉ फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसकी एज लिमिट है 30 साल के लिए। पे स्केल होगी इसकी अराउंड 35,000, ग्रेड पे रहेगा 4,200। देन असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के लिए 96 पोस्ट है। इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बैचलर डिग्री किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी एज लिमिट है 18 से 27 साल तक। एंड इसकी पे स्केल है अराउंड 20,000, ग्रेड पे रहेगा 2,800। देन मेट्रोन के लिए 64 सीट्स है, लेकिन ये सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। एंड वार्डन के लिए 401 है, 401 है, लेकिन इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड इसकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपने 12th पास की है देन आप बिल्कुल एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो पोस्ट के लिए। एज लिमिट देखिए इसका 18 से 27 साल तक है। इसकी पे स्केल देख लेते हैं, अराउंड 20,200 रहेगा प्लस ग्रेड पे 1900। ओके, एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 100 रुपये भरने होंगे एंड अगर आप SC ST या अदर किसी रिजर्व कैटेगरी में PH में आते हो तो आपको कोई फीस नहीं भरनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, टायर 1 और टायर 2 होगा। टायर 1 में जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हो जाएंगे उन्हें फिर टायर 2 के एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। इसका डिटेल, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस सब हम आगे इन डिटेल नोटिफिकेशन में देखेंगे। और थोड़ा सा नोटिफिकेशन में जो हाईलाइट पॉइंट है वो हम देखते हैं। ये देखिए, नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। अभी जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखते हैं, बाकी लेकिन आप सब डिटेल में ज़रूर पढ़िए। डिटेल में इसका सारा प्रोसीजर देखिए, आपके सारे डाउट्स और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 1 नवंबर 2017 से और इसकी लास्ट डेट रहेगी 21 नवंबर 2017। ओके, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है ये 21 नवंबर से पहले फॉर्म भर दीजिए। देखिए, ये मैंने आपको पोस्ट के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, लेकिन जैसे यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिवाइड की गई है, आप यहाँ से देख सकते हो। सपोज़ फॉर एग्जांपल ग्रेड 2 के लिए देखिए, टोटल मैंने आपको बताया था 221 सीट्स है, लेकिन उसके अंदर भी 108 अनरिजर्व के लिए है, 70 OBC के लिए, 27 SC के लिए, 16 ST के लिए एंड फिजिकली हैंडीकैप के लिए 7 सीट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 22 सीट है और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 11 सीट्स है। ओके, तो ऐसे सब जो सीट से डिवाइड की गई है, तो आप ये कैटेगरी भी देखिए, आप किस कैटेगरी में आते हो उसके अंदर आप अप्लाई कीजिए, तो आपको भी बेनिफिट रहेगा उसका। ओके, ऐसे आप सब पोस्ट में देख लीजिए। इसके डिपार्टमेंट भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ग्रेड 2 सर्विस डिपार्टमेंट में होगा, फार्मासिस्ट जो रहेगा ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एंड लीगल असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में एंड सुपरिंटेंडेंट मेट्रोन और वार्डन के लिए प्रिजन डिपार्टमेंट में रहेगा। देखिए, हर एक पोस्ट का यहाँ पे इन डिटेल सब कुछ अच्छी तरह से एक ही मर्ज करके दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या है, इसमें कोई भी फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है।
और पे स्केल भी काफ़ी अच्छी है इसकी ग्रेड पे। अराउंड इसका कुछ पे स्केल मैंने आपको 34,800 बताया था, लेकिन सब समाप्त करके आपका अराउंड 50,000 से लेके वो अबव 1 लाख जाएगा इसका पे स्केल। एज लिमिट वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से दिया है, देखिए आप ये ज़रूर पढ़ लीजिए। क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने आपको बताया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे रहेगा तो मैं यहाँ पे एडअप करती हूँ। एक्सपीरियंस में कहीं पे भी ऐसा नहीं मांगा है, लाइक लीगल असिस्टेंट में एसेंशियल में नील है, लेकिन अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है एज अ लीगल प्रैक्टिशनर और एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लीगल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर है आपके पास, तो वो आपको एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगा उसका। अदरवाइज एसेंशियल नहीं है, अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के लिए यहाँ पे देखिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका, अराउंड 600 मीटर रेस होगा इन 6 मिनट एंड 30 सेकेंड में। देन हाई जंप, लॉन्ग जंप, देन फीमेल के लिए भी अलग है, 800 मीटर रेस होगा इन 4 मिनट एंड 30 सेकेंड, उनके लिए भी हाई जंप और लॉन्ग जंप ये सब रहेगा। यहाँ पे देखिए सब अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ये दोनों में आपका जो है PET टेस्ट होगा, सुपर असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट में और मैट्रोन और वार्डन में रहेगा आपका PET टेस्ट होगा। ओके एग्जामिनेशन फी मैंने बताया हुआ है, मोड ऑफ सिलेक्शन 1 टायर 2 टायर में होगा। देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है दोनों भी एग्जामिनेशन का, जनरल अवेयरनेस, देन रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन आपका लैंग्वेज में भी होगा। जैसे सपोज आप हिंदी लैंग्वेज के लिए अप्लाई करोगे तो हिंदी के लिए, अदरवाइज इंग्लिश के लिए होगा। बाइलिंगुअल होगा बाकी सारे सब्जेक्ट में, और जो लैंग्वेज होगा तो वो तो सेम ही रहेगा, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपका Tier 1 में रहेगा। देन जो आपका सेकेंड होगा एग्ज़ाम, उसमें आपका टेक्निकल बेसिस पे होगा, मीन जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके बेसिस पे एग्ज़ाम्स होंगे। ओके ठीक है, यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी अच्छे से आगे दिया हुआ है, आप उसको देख के अपना प्रिपरेशन उसके हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो, तो सिलेबस ज़रूर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PH के लिए 10 ईयर, ये सब आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, Tier 1 के लिए जर्नल के लिए होगा, देन Tier 1 में टेक्निकल, 2 पार्ट्स होंगे। जो नॉर्मल आपका जर्नल अवेयरनेस वगैरह पे होगा वो 200 मार्क का होगा, 2 घंटे का होगा, और जो टेक्निकल होगा वो भी 200 मार्क का, 2 आवर्स का होगा। देन सेम आपका Tier 2 भी होगा, ऐसे ही होगा, जर्नल होगा और टेक्निकल बेसिस पे होगा। यहाँ पे देखिए सारा सिलेबस दिया हुआ है, कितने मार्क्स कौन से सब्जेक्ट्स को दिए हैं वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, लाइक जर्नल अवेयरनेस के लिए 75 मार्क्स, देन रीजनिंग पे 75 मार्क्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज पे 75 मार्क्स, न्यूमेरिकल 50 मार्क्स का होगा, जनरल कंप्यूटर नॉलेज 25 मार्क्स का होगा। ओके देखिए ये सब आप देख लोगे तो आपका जो प्रिपरेशन है वो इजी हो जाएगा, उसके साथ अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और जो आपको इसका जो प्रिंटआउट, आप जो फॉर्म भरोगे तो उसका प्रिंटआउट ले लीजिए, तब आपका एग्ज़ाम होगा तब आपको उसका प्रिंटआउट लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म का, एडमिट कार्ड का, और आधार कार्ड भी आपको लेके जाना होगा एग्ज़ाम टाइम पे, अदरवाइज वो लोग आपको अलाउड नहीं करेंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। तो वो सब आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे तो ही आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए, और इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हमने नोटिफिकेशन भी देख लिए है, पोस्ट के बारे में हर एक चीज़ जो है जानकारी हमने दे दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो आप उसे पर्सनली जाके ज़रूर पढ़िए, आई थिंक उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके हर एक पोस्ट से रिलेटेड। कैसे अप्लाई करना है इसका मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट लिंक भी दूँगी और डायरेक्ट लिंक भी दे दूँगी, ताकि आप वहाँ से फॉर्म फिलअप करके कर सकते हो। देखिए अगर आपने पहले कभी फॉर्म भरा होगा तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन अगर आप न्यू रजिस्टर्ड हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन अपना लॉगिन ID पासवर्ड वगैरह लेने के बाद आपको फिर से अप्लाई करना होगा और फॉर्म फिलअप करके अपलोड करना होगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह, और उसका प्रिंटआउट लेना होगा। ये प्रिंटआउट लेके रखिए, ये आगे आपको काम आएगा एग्जामिनेशन में जाने के टाइम पे। ओके देखिए अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है और एलिजिबिलिटी मैच होती है ये पोस्ट के साथ में, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पे स्केल भी काफ़ी अच्छी है इसकी,
इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बताया है 21 नवंबर 2017 है, तो उससे पहले आप ज़रूर फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट।